दोस्तों, क्या आपने आयुष्मान कार्ड के अंदर EKYC करके उसको जो है यहाँ पर अप्रूव तो करा लिया? यानी कि जो फर्स्ट टाइम में जो EKYC होती है वो आपने कर ली, अब आयुष्मान कार्ड अप्रूव तो हो गया, बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। काफी पर्सन की प्रॉब्लम यही है, जिनके DMs मेरे पास में आते हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने आयुष्मान कार्ड की KYC की, KYC करने के बाद में जैसे जैसे उसमें कहा गया हमने वो सब चीज कर ली, करने के बाद में कुछ घंटों के बाद में हमारा आयुष्मान कार्ड अप्रूव भी हो गया। अब अप्रूव होने के बाद में हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें एरर आ रहा है और हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अब कैसे वो डाउनलोड होगा, जो एरर आ रहा है उसको कैसे फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद ऐसे यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूव तो हो गया बट डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड में एरर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अब करना क्या होगा, आपको करनी होगी फिर से RedoE KYC। जब तक आप RedoE KYC नहीं करेंगे तब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम KYC खुद से करते हैं तो उसमें कुछ चीज प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि फोटो वगैरह में। अब होता क्या है कि अप्रूव तो हमें वहां पर शो हो जाता है लेकिन डाउनलोड नहीं होता है। अब उसको सही करने के लिए हमें करना क्या है, हमें करनी है फिर से RedoE KYC। अब क्या हमें करनी है, RedoE KYC, और RedoE KYC पब्लिक के लिए बंद हो चुकी है, पब्लिक अब खुद नहीं कर सकती, आप खुद नहीं कर सकते। बेनिफिशरी पर जा करके जब आप लॉगिन करते हो तो वहां पर जब आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करते हो तो वहां पर ऑप्शन आते थे RedoE KYC करने के, तो वहां से वो ऑप्शन अभी ब्लर है, वो उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये चीज आप खुद से नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम खुद से नहीं कर सकते तो होगी कैसे RedoE KYC, तो मैं बताऊंगा कैसे होगी, आपको करना क्या होगा। आपका घर जहां पर भी है, मतलब जिस गांव में है या जिस शहर में है, जिस सिटी में है, जहां पर भी है, आपको अपने घर के नजदीक पर जा करके ये देखना है, ये सर्च करना है, या फिर किसी और लोगों से पूछना है कि यहाँ पर CSC सेंटर कहाँ पर है। जो CSC सेंटर होते हैं, लोकवाणी केंद्र होते हैं, जनसेवा केंद्र होते हैं, वहां पर आपको जाना है। उनके पास में होती है ऑपरेटर आईडी, जो कि आयुष्मान कार्ड की ऑपरेटर आईडी होती है, उनके पास में CSC आईडी भी होती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऑनलाइन काम किए जाते हैं, जहाँ गवर्नमेंटी काम होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, और उससे अलग भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको बोला जाता है लोकवाणी केंद्र, जनसेवा केंद्र, CSC सेंटर, वहीं पर आपको जाना है। उनके पास में ऑपरेटर आईडी होती है आयुष्मान कार्ड की, उनसे जा करके अपनी प्रॉब्लम को बताना है कि हमने खुद से KYC की थी और उसके बाद में हमारे सामने ये अब हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, हमें एरर आ जाता है। तो उसके लिए आप जो है वहां पर क्या करेंगे, जैसे कि आप उस पर्सन को जरूर जाना होगा जिसके आयुष्मान कार्ड में प्रॉब्लम है, और आधार कार्ड भी लेकर के जाना है वहां पर, तो वहां पर से वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे और वो अपने ऑपरेटर आईडी से आपकी RedoE KYC करेंगे। RedoE KYC जैसे ही वो कर देंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो उसमें फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो वहां पर आपको आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके आपको दे देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको जो है अपने घर के नजदीकी चेक करना है, CSC सेंटर, जनसेवा केंद्र और लोकवाणी केंद्र, ये तीनों चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ही ऑफिस होता है, इसके अंदर आपको जाना है, प्रॉब्लम बतानी है और वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पर कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।